मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया ऊपर जिस पर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 आम चुनाव के मद्देनजर दोनों तरफ की सेनाएं सज रही है, वार पलटवार चल रहा है, देखते हैं कि किसके हाथ में लगती है बाजी। लेकिन आपको बता दें कि 18 जुलाई को दो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, एक एनडीए की दिल्ली में और दूसरी बैठक हुई थी इंडिया की बेंगलुरु में। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। वहां नाम दिया गया गठबंधन का इंडिया और इधर होने लगी बेचैनी। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नाम पर बोले हैं। नाम में इंडिया लगा लेने से क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा हुआ है। बस क्या था, विपक्ष को ये बात चुभ गई। फिर तो एक से बड़े एक धुरंधर मैदान में उतरे, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोले कि ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, मणिपुर जल रहा है, पीएम क्या बोल रहे हैं। इसके बाद तो फिर राहुल, प्रियंका, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों के नेता आ गए मैदान में और होने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी। और यहाँ तक आरोप लगाए गए कि इनके पूर्वज अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए ईस्ट इंडिया की याद आ रही है। सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए मोदी जी, लेकिन हम तो इंडिया हैं और हम मणिपुर में जो चोट लगी है, जो घाव लगे हैं, उसे भरेंगे और उनके आंसू पोछेंगे, किसी तरीके से समाज में, देश में प्यार और सद्भाव कायम करेंगे। वी विल रिबिल्ड द आइडिया ऑफ इंडिया इन मणिपुर। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया में के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। तो राहुल और प्रियंका ने अपने तरीके से वार किया। राहुल कह रहे हैं कि आप चाहे जो कहिए, प्रियंका बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। दरअसल है क्या कि विपक्ष ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये नाम रखा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। डेमोक्रेटिक रहेगा कि डेवलपमेंटल रहेगा, इस पर काफी बहस हुई थी बेंगलुरु वाली बैठक में। तो यह हुआ कि एनडीए में भी डेमोक्रेटिक लगा हुआ है, लिया जा डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंटल किया गया। ये ममता बनर्जी और कांग्रेस ने इस नाम का सुझाव दिया और अब उसी नाम को लेकर के लड़ाई हो रही है। तब विपक्ष ने जो वार किया है, वार से बेहतर कहना ये होगा कि जो रणनीति अख्तियार की है कि इंडिया नाम रखते हैं, तो देखते हैं कैसे इंडिया नाम लेकर के आलोचना और विरोध होता है। और निश्चित रूप से विपक्ष यानी बीजेपी और एनडीए को इंडिया नाम लेते समय इस बात का ध्यान रखना ही रखना होगा। वही प्रधानमंत्री कहीं इंगित कर रहे थे कि नाम रखने से कुछ नहीं होता है, विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, हताशा में है। और यही बात विपक्ष जो है बीजेपी और पीएम मोदी के लिए कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है और इंडिया पे वार कर रहे हैं। एक और इसी के साथ सिलसिला चल पड़ा है, बहस हो रही है कि इस बार की लड़ाई भारत बनाम इंडिया की होगी क्या, क्योंकि भारत को लेकर के एक
आई वर्ग में दूसरी सोच है कि ये है भारत असली, जो कि गांव में बसता है। और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि जो डेवलप्ड है वो इंडिया है। तो कई बार ये भी कहा जाता है मजाक मजाक में कि भारत और इंडिया में लड़ाई है। और उसी मोड़ पर आ गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष। देखते हैं कि अभी आगे कौन कौन से दांव चले जाते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।